बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोडिंग एंड स्केलिंग मेथड है। स्टूडेंट, कोडिंग एंड स्केलिंग मेथड जो है ऑलरेडी आपके साथ जो चैप्टर नंबर 4 है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी डिस्कस किया हुआ है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो डिस्कस किया है उसको भी आप एक नजर देख लें। यहाँ पे क्या है, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में जब हम बात करते हैं कोडिंग एंड स्केलिंग मेथड की, तो ये अगर तो आपको मेंशन किया गया है क्वेश्चन में कि आप फॉलो द कोडिंग मेथड या स्केलिंग मेथड, या आपको यू वैल्यू जो मेंशन कर रहे होते हैं दे दी गई है, तो ये शॉर्ट मेथड होता है। अगर आप ओरिजिनल मेथड से भी वैल्यू करोगे तो आपके पास सेम आंसर आएगा, अगर आप कोडिंग मेथड अप्लाई करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। लेकिन आपने कोडिंग मेथड यूज किस टाइम करना है, अगर वैल्यूज बहुत ज्यादा लार्ज हैं कि आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़े तो इस कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए कोडिंग मेथड यूज करते हो, या आपके पास जब आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता है या कह दिया जाता है या आपको लिख दिया जाता है यू में। एक एग्जांपल भी मैं आपको शो करवा दूंगी, फिर मैं इंशाल्लाह वो एग्जांपल आपको सॉल्व भी करवाऊंगी कोडिंग एंड स्केलिंग मेथड की जो एग्जांपल है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मेथड जो है वो बता दूं। देखिए, कोडिंग मेथड क्या होता है, हम पढ़ते हैं ना म्यू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एच, ये हमारे पास क्या आ रहा होता है, एक्स बार या म्यू आप लिख लें या एक्स बार या आप लिख लें, एक्स बार ये मीन को शो कर रहा है, और ये हमारे पास क्या आ रहा होता है, ये हमारे पास आ रहा होता है इंटरवल। यहाँ मैं पी वैल्यू वैल्यू शो कर रही हूँ, कोई भी जो हमें गिवन होती है वो मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या है, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो ना तो आपके पास क्या आएगा, म्यू एच क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे तो वन है और आ जाएगा एक्स माइनस पी। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की चाहिए, तो हम क्या करेंगे, म्यू एच प्लस पी हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास अगर, और प्रॉपर्टी आपने कहा ना कि रिग्रेशन लाइन ऑलवेज गोज थ्रू फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द पॉइंट ऑफ मीन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स बार पी प्लस म्यू बार एंड एच आपके पास आ जाएगा कोडिंग मेथड में। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल शो करवाती हूँ ना कि आपको अगर इस तरह का मेथड आ जाता है तो आपने उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा, अब जो आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यू होती है ना रिग्रेशन लाइन की, वो हमारे पास क्या होती है, ए प्लस बी एक्स होती है। अब यहाँ पे जो एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी ना, लाइन आएगी, एस्टिमेटेड लाइन इक्वेशन जो आएगी ए प्लस बी यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपने, क्योंकि ये शॉर्ट मेथड है ना हमारे पास म्यू का मेथड, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब ए पे हमारे पास क्या होगा, समेशन ऑफ वाई आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाई एन आ जाएगा, जो कि वाई बार के इक्वल होता है। और बी हमारे पास क्या आएगा, समेशन ऑफ म्यू y and summation of mu square। और स्टूडेंट ये मेथड जो है ना, ये आपको जुबानी याद रखना है। मेथड अगर आपको अच्छे तरीके से आता है तो आई थिंक आप इजीली जो अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। अब सबसे पहले तो मैं आपको शो करवा रही हूँ एग्जांपल, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर मेथड समझाती हूँ कि कोडिंग मेथड बेसिकली है क्या। अब एग्जांपल आपकी जो बुक में है ना वो 14.3 है, आप देखो कि वहां पे उन्होंने ऑब्जर्व वैल्यूज दे दिए, ऑब्जर्व नंबर दे दिए, नंबर ऑफ वर्कर दे दिए, वाई की वैल्यूज दे दिए, टन ऑफ स्टील प्रोड्यूस, साथ में उन्होंने कह दिया एस्टिमेट द लाइन ऑफ रिग्रेशन यूजिंग दिस वन, म्यू दे दिया, म्यू एक्स माइनस 4.5 एंड दिस वन। अब देखिए उन्होंने आपको कहीं भी नहीं बताया कि आपने कोडिंग मेथड फॉलो करना है, बट म्यू देने का मकसद क्या है कि वो आपको कह रहे हैं कि आपने कोडिंग मेथड जो है वो फॉलो करना है। स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, आपने जब भी आपको ऐसा मेथड आ जाता है आपको x की वैल्यूज भी गिवन होंगी, y की वैल्यूज भी मैथ होंगी। मैं आपको जनरल मेथड बता रहा हूँ, आपने म्यू लेना है, म्यू हमारे पास क्या है, x माइनस, अब हमारे पास क्या है, x बार आपको गिवन है यहाँ पे, जिस तरह दिया गया x बार मेजोरिटी आपको गिवन दिया जाएगा, ये x बार है, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाई h आपको गिवन होता है इंटरवल, इंटरवल भी आपको दिया जाता है। तो आपने x की इंटरवल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वन गिवन है, आपको ये दो वैल्यूज गिवन होंगी, आपने x की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे पुट करते जाना है, आपके पास म्यू की वैल्यूज आ जाएंगी, y की आ जाएंगी। अब आपको रिक्वायर्ड है फार्मूले के मुताबिक ये दो चीजें जो कि आपको हर फार्मूले में ही रिक्वायर्ड होंगी, म्यू स्क्वायर एंड म्यू y। वो किस वजह से कि जो a की वैल्यू आपने फाइंड करनी है ना, उसका फार्मूला समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n, एंड आपको गिवन होगा ऑब्जर्वेशन वैल्यू, तो y जो है वो आपके पास यहाँ से आ जाएगा, तो a आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने b फाइंड करना है इसमें, तो समेशन ऑफ म्यू i y i एंड समेशन ऑफ म्यू स्क्वायर। अब देखिए इसमें आपको म्यू एंड वाई का मल्टीप्लीकेशन चाहिए था सम, आपने यहाँ से वो वैल्यू जो है ले लिया और इसका सम जो भी आएगा आपने लिखा। इसी तरह म्यू स्क्वायर आपके पास चाहिए था, इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या लिया, म्यू स्क्वायर, क्योंकि हमें इसका सम चाहिए था। तो इस तरह ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, जब ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी ना,
तो आपके पास वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी यू होती है। अब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू चाहिए कोडिंग मेथड में, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको लिख कर बता दिया। जब आपके पास वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 3 म्यू आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह, फिर आपने इसको कन्वर्ट करने है इक्वेशन रिग्रेशन लाइन में, क्योंकि उन्होंने तो कहा रिग्रेशन लाइन कोडिंग मेथड को यूज करते हुए। तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू है, आपने इसको रहने देना, यहाँ पे इसकी वैल्यू लेना, जिस तरह हमने लिखा ना एक्स माइनस, यहाँ पे आपने लिखना 4.5 डिवाइडेड बाय 1, ये वाली वैल्यू जो है वो लिखनी है। फिर आपने क्या करना है स्टूडेंट, इनको मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह आप करते हो ना, मतलब कैलकुलेशन करनी है। ये तो 1 है, अगर कोई और वैल्यू होती तो फिर आप प्रॉपर उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4.5। जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये वैल्यू ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू ऐड करने के बाद आपके पास आगे 10, ये मैं एज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, हमने इसको नहीं लेना, सिर्फ मेथड समझा रही हूँ। और 3x आपके पास आगे, तो ये वाई और एक्स, अब ये देखिए ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगी, ये इनडिपेंडेंट वेरिएबल होगी। तो इस तरीके से जो हमारे पास रिग्रेशन लाइन है वो आपके पास आ गई है। तो ये बेसिकली आपको समझाने का मकसद क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि आपको जो मेथड है वो समझ में आ जाए, कि अगर कोडिंग एंड स्केलिंग का मेथड दे दिया जाता है, जिस तरह एग्जांपल में भी कहा गया, और इंशाल्लाह मैं मजीद ये एग्जांपल आपको आगे करवाऊंगी भी। तो स्टूडेंट आपको फार्मूला बेसिकली आना चाहिए, हमारे पास रिग्रेशन लाइन आपको पता है, म्यू का आपको पता है, हमारे पास हम फाइन करते हैं एक्स बार और एच होते हैं, इसी तरह ए और बी आप को इसका फार्मूला आना चाहिए। ए एंड बी में फार्मूले में जो चीज़ रिक्वायर्ड है कैलकुलेट करो, उसको पुट करो और लाइन में आपने लगा देना। इसी तरह म्यू आपने इस दर खत्म नहीं करना कि वाई इज इक्वल टू 5 + 3 म्यू आ गया तो आपने फिनिश कर देना अपना वर्क, नहीं, आपने रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है ना, तो आपने म्यू की वैल्यू पुट करनी है, तो आपने उसे कैलकुलेट करना है, तो आपके पास जो रिग्रेशन लाइन है वो आपको रिक्वायर्ड हो जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको मेथड की समझ आई होगी, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको इससे रिलेटेड एग्जांपल भी करवा दूंगी, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।